ज्वालामुखी शक्ति पीठ का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने स्वयं माँ ज्वाला के गर्भगृह को खुलवाया है। इस बारे में मंदिर के पुजारी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय माता की। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि अब जो श्रद्धालु जो हैं कोरोना काल में जो मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने की अनुमति थी उसको बहाल कर दिया गया है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने आदेश जारी कर दिए हैं और मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा जी ने आज ज्वालामुखी शक्तिपीठ के मुख्य द्वार श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए हैं। अब गर्भगृह में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और पहले से जैसे मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुलता था, वो ही समय अनुसार अब जो है मंदिर खुलेगा और श्रद्धालु अब जो है यहाँ पर माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए आएंगे, तो उन्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा क्योंकि अब गर्भगृह में उन्हें दर्शन हो पाएंगे। वहीं आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रों के बसंत पंचमी के इस महापर्व के दिन ये शुभ कार्य हुआ है, इसलिए शहरवासियों में और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। माननीय आयुक्त मंदिर के अधीक्षकों की अनुपालना में आज मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन अब गर्भगृह में हो पाएंगे, परंतु सरकार के जो SOPs हैं COVID-19 को लेकर उनकी पूरी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। बाकी मंदिर के खुलने का टाइम जैसे पूर्व में होता था, सुबह मंदिर 6 बजे खुलेगा और रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन हो पाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए देहरा से सचिन शर्मा।